हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम नवरात्र स्पेशल मिठाई बनाएंगे। बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी मिठाई बनके तैयार होती है। कम चीजों से, आप घर की चीजों से इसे बना के तैयार कर सकते हैं। सिर्फ तीन चीजों से बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके तैयार होती है इस तरीके से। चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमने मिठाई को तोड़ के देखा, बहुत ही बेहतरीन बनी है। इस तरीके से हम नवरात्र स्पेशल व्रत के लिए हम मिठाई बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये कैसी मिठाई बनी है, बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी मिठाई बनके तैयार हुई है। इस तरीके से हम मिठाई बनाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिठाई बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है, हम चूल्हे को ऑन कर देते हैं। हमने पहले से छेने को तैयार कर लिया है, अच्छे से हमने छेने को मसल के ले लिया है। और हम छेने को देखिए, हमने छेना बहुत अच्छे से, हमने इसे 15 मिनट तक मसला है। आप हमने वीडियो डाल रखा है, आप छेना कैसे तैयार करना है आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा हो तो देखिए, आप पनीर भी तैयार करके छेना, मतलब उसको मसल के आप बना सकते हैं इसे। इस मिठाई को बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार होता है। देखिए, अब इसे हमें इसमें अच्छे से क्या करना है, अब इसे हम मसलेंगे अच्छे से। इसे मसल के तैयार करेंगे। हमने ये गड़ी का बुरादा ले लिया है और इसमें हम चीनी डाल देते हैं मीठे के अनुसार। इसमें चीनी डाल देते हैं। देखिए, हमने मीठे के अनुसार हमने इसमें चीनी डाल दिया। अब साथ में इसे अच्छे से हमें लगातार चलाते हुए गला के तैयार करना है। हम नवरात्र स्पेशल व्रत के लिए ये मिठाई बना रहे हैं। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके तैयार होती है। इस तरीके से हमें इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से हम मिठाई को तैयार करेंगे। देखिए, चीनी अच्छे से गल जाएगी। हमें लगातार चलाना है, हमें छोड़ना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो ये दाने पड़ जाएंगे, अच्छे नहीं बन पाएंगे जो मिठाई है। देखिए, हमने इसे लगातार चलाते हुए हमने इसे सूखा कर लिया है। ये सूखा हो रहा है, बस हमें कुछ नहीं करना है, लगातार इसे सूखा करके हमें इसे तैयार कर लेना है। तीन चीजों से बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी नवरात्र स्पेशल व्रत के लिए ये मिठाई बनके तैयार होगी। अब इसे बना के हफ्ते भर रख लीजिए, बिल्कुल खराब नहीं होते, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके ये तैयार होती है। देखिए, हमें लगातार चलाते हुए ऐसे ही, आप देख सकते हैं, ऐसे ही हमें इसे सूखा करना है। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके तैयार होती है। इस तरीके से हम इसे ठंडा करेंगे। ऐसे ही करके पहले हम सूखा कर लेते हैं, उसके बाद से हम इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। जितने अच्छे से हम इसे मसल के चलाएंगे, उतना ही बेहतरीन जो ये बनके तैयार होता है। आपको यकीन नहीं होगा कि इतने कम चीज़ों से और आपने इतनी, मतलब, टेस्टी मिठाई बना के तैयार कर लिया है व्रत के लिए। जब मर्जी हो आप इस तरीके से बना सकते हैं व्रत के लिए, एक हफ्ते के लिए, मतलब व्रत आप 9 दिन रह रहे हैं, 9 दिन के लिए आप इसे बना के रख लेंगे, बिल्कुल खराब नहीं होते, बहुत, मतलब, स्वाद इसका बढ़ जाता है, बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। देखिए, हमें ऐसे ही इसे करते हुए अच्छे से हमें सूखा करके इसे तैयार कर लेना है मिठाई को। देखिए, ऐसे ही करते हुए हम इसे कर लेते हैं। देखिए, हमने इसे चलाते हुए अच्छे से हमने सूखा कर लिया है। अब इसे हम थाली में निकाल लेते हैं, हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। बहुत अच्छे से ये तैयार हो चुका है। अब इसको हम ऐसे ही साफ कर लेते हैं, साइड का, किनारे का। देखिए, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके तैयार हुई है। देखिए, आप इसे होली स्पेशल भी समझिए, होली के लिए भी और नवरात्र दोनों के लिए हमने ये मिठाई बनाई है। दोनों समय इसे खाया जा सकता है। अब इसे हम थाली में ले लेते हैं। देखिए, हमने ये थाली ले रखी है, अब इसे हम थाली में निकाल लेते हैं। देखिए, हम अच्छे से अब इसे हम सेट कर देंगे। अभी थोड़ा गर्म है, हम ऐसे ही हाथों से इसे हिलाते हुए अच्छे से इसे ठंडा होने तक। देखिए, हम इसे अच्छे से ऐसे ही
इसे छोड़ दे रहे हैं, ये ठंडा हो जाएगा। देखिए बस हमें अच्छे से इसे बराबर कर लेना है, क्योंकि अभी गर्म है थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये ठंडा हो जाएगा, अच्छे से ये सेट हो जाएगा। देखिए हमने इसे अच्छे से कर लिया है। अब ठंडा हो जाने के बाद इसको हम तैयार करेंगे। देखिए अच्छे से ये ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं ये हमने रखा है, ये चिपक गया है, ठंडा हो गया है। अब इस पे हम लगा देते हैं। देखिए हमने ले रखा है जो चांदी का वर्क होता है, अब इसे हम लगा लेते हैं। देखिए हमें लगाना है ऐसे, हम इसे लेके और हाथ इस पे बिल्कुल नहीं लगाना, उंगलियां नहीं सटनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा ये उंगलियों में लग जाता है। ठीक है, देखिए ऐसे ही हमें इसे लगा देना है अच्छे से। आप देख सकते हैं ऐसे ही इसे लगाना चाहिए, हाथ इस पे बिल्कुल ना लगाएं। अब देखिए इसे हम रख देते हैं, बहुत अच्छे से ये लग चुका है। अब हमें ऐसे ही कागज की सहायता से इसे अच्छे से सेट कर देना है, इस पे हाथ नहीं लगाना है। हाथ लगाने से ये होगा कि उंगलियों में और हाथ में जो है ये चिपक जाते हैं, इसलिए ध्यान रखें। इसी तरीके से इस पे लगाएं, ये ठंडा हो चला है। अब इसको हम मिठाई का सेप दे देते हैं। देखिए ये जो है मिठाई रोल, अब देखिए ऐसे हमें इसे करते हुए इसे हमें काट के तैयार कर लेना। आप देख सकते हैं ये कैसे निकल रहा है, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके तैयार हुई है, नवरात्र व्रत स्पेशल। देखिए ऐसे ही हमें इसे चाकू से काट के तैयार कर लेंगे हम इसे। आप जैसा मोटा पतला मतलब इसे पसंद करते हो उसके अनुसार आप मिठाई को काट के तैयार कर लें। देखिए ऐसे ही हम इसे बहुत अच्छे से ये तैयार हो चुका है, बहुत कम समय लगा और हमने इसे तीन चीज़ों से बना के हमने तैयार किया है इस मिठाई को। नवरात्र व्रत स्पेशल मिठाई जो है बनके तैयार हो गई है, इसे आप बना के रख लें, 9 दिन चलेगा, ये खराब नहीं होगा बिल्कुल। देखिए ऐसे ही इसे हम काट लेते हैं। देखिए हमने काट के मिठाई को तैयार कर लिया है, अब इसे हम आपको पास से दिखाते हैं कितनी बेहतरीन मिठाई जो है बनके तैयार हुई है। देखिए अब हम मिठाइयों को ऐसे ही सेट कर देते हैं, हम आपको दिखाते हैं कितनी ये टेस्टी बनके तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनी है, सिर्फ तीन चीजों से हमने इसे बना के तैयार किया है। देखिए ऐसे ही हम इसे सेट कर देते हैं। देखिए हमने मिठाई को बना के तैयार कर लिया है। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कि जो मिठाई हमने बनाई है कितनी बेहतरीन बनके ये तैयार हुई है। जिधर से आप तोड़ेंगे बहुत ही सिंपल और उतना ही टेस्टी बनके तैयार हुई है।